अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ सर लोग कैरियर से होंगे तो एक नई टेली कम्युनिकेशन कंपनी आई है जिसका नाम है ओनिक। ये आप इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं सिम को, ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल दे देते हैं। इसके लिए हम चले जाते हैं इनकी वेबसाइट पर onic.pk। यहाँ से आप इसे वेट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ऑन नाउ पे आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है, अभी यह वेबसाइट भी मुकम्मल नहीं है। तो यहाँ पे लिमिटेड साइनअप्स ओनली अभी फ़िलहाल, तो अभी जो है वो सिर्फ चंद लोगों को इसकी सिम दी जाएगी। नीचे आ सकते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपने साइनअप करना है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट नेम यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके नाम सेकंड नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप अपना जीमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सारी फील्ड्स को फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे साइन अप नाउ का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे येलो कलर में हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली साइन ऑन द वेट लिस्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं अपना जो है वो जीमेल चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी इसके बारे में आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन भी है जो कि प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगी फ़िलहाल, तो आप इसे वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो चलिए मोबाइल पर जाके देखते हैं वहाँ पर आपने किस तरह साइनअप करना है और वहाँ पर आपको क्या डिटेल देखने को मिलती है। सबसे पहले बता दें इसके पैकेजेस के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। 130 रुपये में बहुत ही ज़्यादा सस्ता पैकेज आपको देखने को मिलता है। 30 GB का पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। अभी वो टेस्टिंग पैकेज है, लेकिन अभी जो है वो क्योंकि अभी ये नई नई कंपनी है इसलिए यहाँ पे सस्ते पैकेज रखे गए हैं। जैसे ये पुरानी कंपनी होगी तो ये कीमतें बढ़ाएंगे, तो अभी ये न्यू कंपनी है इसलिए इन्होंने सस्ते पैकेज रखे। 130 रुपये में आप इसे हासिल कर सकते हैं। ओनिक जो कंपनी है वो यूफोन के टावर्स इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ सिम जो है इन्होंने निकाल ली है, बाकी जो भी इनका जो सिस्टम है वो यूफोन वाला सिस्टम है। इनके नंबर भी वही होंगे, बाकी सारा जो भी सिस्टम है वो यूफोन वाला है। अगर आपके इलाके में यूफोन की स्पीड अच्छी आती है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं आती, सिग्नल नहीं आती, तो आपका बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके यूफोन की स्पीड वहाँ पे आपके इलाके में अच्छी आती है तो आप इसे बाय करके जो भी पैकेजेस है आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सस्ते तरीन पैकेजेस हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं आपने किस तरह मोबाइल एप्लीकेशन पर साइन अप करना है। तो अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रही प्ले स्टोर पर तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जो है वो डाउनलोड लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनिक की एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है। सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो बाय आप प्लान के साथ आप जा सकते हैं। बाय आप प्लान पर क्लिक करेंगे, अगर आप न्यू यूज़र है पहली बार एप्लीकेशन ओपन किया तो बाय आप प्लान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की लोडिंग आ जाएगी, उसके बाद ये वाला जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेज है अभी फ़िलहाल, टेस्टिंग 123 यानी 123 रुपये में 30 GB आपको इंटरनेट मिलेगा, 500 ऑल नेटवर्क मिन और 1000 SMS आपको मिलेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, फिलहाल यही है बीटा वर्जन चल रहा है तो टेस्टिंग के लिए है ये सिर्फ एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि एक ही पैकेज है तो इसलिए हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो जीमेल पूछा जाएगा। जी यहाँ पे अपना जीमेल मैंने एंटर किया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कह रहा है आपके जीमेल के ऊपर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, वो आप चेक करें। तो मैंने एंटर किया OTP और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। इंतज़ार करते हैं, लोडिंग हो रही है, इंतज़ार करते हैं लोडिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप न्यू सिम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लैटिनियम, पर्पल, गोल्ड और स्टैंडर्ड, ये आपको
चार ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो है प्राइस वो ज़ीरो है। अगर आप गोल्डन पर क्लिक करते हैं नंबर पे तो यहाँ पे 4,500 रुपये हैं, और अगर आप पर्पल पर करते हैं तो अभी नहीं है, प्लाटिनियम वो भी अभी नहीं है, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड चल रहे हैं और गोल्डन नंबर चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है नंबर, आपके पास जियो फ़ोन का नंबर है तो आपने ट्रांसफ़र नंबर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने करंट प्रीपेड नंबर और सेलेक्ट टैली को आपने करके एंटर कर देना है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हम अभी नंबर मंगवाएंगे न्यू, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने अपना नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आप ये अपना नंबर जो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, CNIC नंबर, उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट, डिलीवरी एड्रेस, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे फिलअप करना है, ये वाला फॉर्म। यहाँ पे आपको जो है वो डिलीवरी स्लॉट मिल जाएगा, कब आपको जो है वो सिम डिलीवर कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कब मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रिव्यू डिटेल आ चुकी है, प्लेस ऑर्डर का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर कर देना है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं इसी टॉपिक के ऊपर तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह सिम एक्टिव करनी है, बाकी सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, और हाईटेक कुमार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।